तो शेफ, हमारा जो हम आपके हैं कौन सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारी गाड़ी पहुंची है जाके, जहाँ पे हमने क्रीमी कॉर्न सैंडविच बनाया है। और ये क्रीमी कॉर्न सैंडविच बनाने में इतना आसान और बढ़िया है कि बच्चों के घर के टिफिन के लिए तो एकदम उपयुक्त है। तो शेफ, एक काम करिए, अब इसे आप टेस्ट करके बताइए बना कैसा है, और थोड़ा इस रेसिपी के बारे में जरा ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि एकदम लाजवाब है, बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि बहुत हेल्दी है। तो इसे घर पे बनाएं और गर्मा गर्म बच्चों को जरूर टिफिन में पैक करें, एकदम हेल्दी है, करा रहे, बहुत ही लाजवाब है, इसको जरूर ट्राई करें। तो शेफ, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। अब जरा हमारे सब्सक्राइबर्स को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करने को रिक्वेस्ट तो कर ही दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर घर में ये डिश पहुंचे और हर जगह पहुंचे। आप शेफ धर्मेंद्र हैं, इनका कहना मान लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्रीमी कॉर्न सैंडविच का मजा उठाइए और हम आपके कॉर्न का मजा उठाइए। और मेरा नाम शेफ रवि सावंत है और मैं ऐसी रेसिपीज आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी आपको नई नई चीजें आते रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है देखिए साहब हमारा क्रीमी कॉर्न, इसे सर्व किया गया है गार्लिक ब्रेड के साथ। और ये है हमारा क्रीमी कॉर्न सैंडविच जिसे सर्व किया गया फ्रेंच फ्राइज के साथ। कुछ बेसिक सामान लगेगा इन दोनों को बनाने में, जैसे लाल पीली हरी शिमला मिर्च, कुछ मक्खन, ब्लैक पेपर, कुछ भुना हुआ मैदा, कुछ क्रीम और कुछ दो तरह की चीज़, अमूल चीज़ और मोजरेला चीज़। तो इतने ही सामान से ये एक बढ़िया सी रेसिपी बन जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें साहब ये अमेरिकन कॉर्न्स जो हैं, यानी कि स्वीट कॉर्न्स आते हैं मार्केट में फ्रोजन वाले, ये ले लेने हैं और इनको करना है उबालने का काम। अब उबालने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त जरूर लगाइएगा, अच्छे से पक जाए और जूसी हो जाए। और अब साहब इनको छान लीजिए। 12 मिनट हो चुके हैं, हमने अपने कॉर्न्स को लिया है छान, और अब कर लेते हैं इनको ठंडा। रनिंग वाटर इनके ऊपर डाल के ठीक ठाक इसका टेम्परेचर लो कर दीजिए ताकि ओवर कुकिंग ना हो जाए। अब इन कॉर्न को हमने तीन भाग में देखे बांट दिया, इसमें से एक भाग की रेसिपी आज हम बनाएंगे, बाकी दो भाग की अगले हफ्ते। तो चलिए, अब डाल दिया हमने बटर और बटर में चला गया हमारा साहब गार्लिक, बारीक कटा हुआ लगभग पेस्ट के जैसा गार्लिक, और इसे अब आप अच्छे से भून दीजिए, कच्चापन चला जाए। किचन देखिए बिजी है, काफ़ी काम हो रहा है, मैं थोड़ा समय निकाल के रेसिपी बना पा रहा हूँ। और अब डाल दीजिए साहब इसमें हमारा उबला हुआ कॉर्न एक हिस्सा। दो हिस्से की रेसिपी अगले हफ्ते, मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि हम बना रहे हैं एक शंका, इसका नाम है हम आपके हैं कौन। काफ़ी समय से रेसिपी नहीं डाल पाया, थोड़ा बिजी था। और अब ये चला गया साहब हमारा कैप्सिकम, और ये चली गई की पीली वाली कैप्सिकम, और अब चली जाएगी लाल वाली कैप्सिकम। देखिए ये दोनों रंग की कैप्सिकम ना हो तो एक से भी काम चल जाएगा, थोड़ा मशरूम डाल सकते हैं आप चाहें तो। और ये साहब देखिए ओरिगेनो हर्ब है, आजकल आसानी से मिलता है, नहीं तो पैकेट में जो बचा हुआ पिज़्ज़ा हर्ब होता है वो यूज़ कर लीजिए। और ये है साहब हमारा ब्लैक पेपर, और ये चला गया नमक। सब कुछ लगभग मिल चुका है और इसे अब हम करते हैं कुकिंग का काम। धीरे धीरे कुक करिए, और ये भुना हुआ मैदा जो मैंने आपको बताया था ना, ये इसको मिला दीजिए। इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लार और बटर लेके अगर आप उसे कुक करेंगे एक रेत के जैसा दिखने वाले स्ट्रक्चर के साथ, तो ये बन जाता है रू, यानी कि भुना हुआ मैदा। और इसमें डाल दी हमने थोड़ी सी क्रीम। अब इन दोनों को मिला के एक बन जाती है एक सॉस, जिसका नाम है बेशमल सॉस, ये उसका झटका वर्जन है, बाकी प्रोसेस थोड़ा इलैबोरेट है। और अब डाल दिया हमने इसमें चीज़, यानी कि प्रोसेस चीज़, और अब चला जाएगा ये मोज़रेला चम्मच बड़ा भर के, ये जरूर चाहिएगा। देखिए तो इसमें एक तरह की कॉन्टिनेंटल सॉस ऑलरेडी चली गई है जिसका नाम है बेशमल सॉस, ये चला गया चीज़, और ये थोड़ी सी क्रीम और। तो ये हो गया ना एकदम क्रीमी कॉर्न। खाते ही जो आपको मुंह में क्रीम का टेक्सचर आने वाला है ना साहब, आज खा के सोएंगे तो रात भर मुंह में रहेगा। अब ये कॉर्न हो गया तैयार, इसको करिए सर्व हॉट, ऊपर से डालिए चीज़ और साथ में परोसिए गार्लिक ब्रेड। बच्चों को टिफिन में दीजिए, स्नैक्स में खाइए और चखना बनाकर खाइए। अब कुछ कॉर्न का ये मिक्सचर, यानी कि चीज़ी कॉर्न का मिक्सचर बच गया है, तो एक काम करते हैं, एक लेते हैं ब्रेड। अब ब्रेड के ऊपर लगा दिया हमने हमारा ये क्रीमी कॉर्न का मिक्सचर,
इसमें देखिए चीज़ पहले से ही है, कॉर्न इसमें है, वेजिटेबल्स इसमें है, और इसमें है हमारी बहुत सारी क्रीम। अब इसको एक ढक्कन यानी कि आवरण लगाइए दूसरी ब्रेड का, हल्का सा बटर लगाएंगे अपने ब्रेड्स के ऊपर ताकि अच्छे से सिक सके, तवे पे या ग्रिलर पे इसको बढ़िया से सेक के अच्छे तरीके से ग्रिल करके बच्चों के टिफिन में दीजिए, खुद ब्रेकफास्ट में खाइए, इवनिंग टी टाइम स्नैक्स में खाइए, और इस क्रीमी कॉर्न सैंडविच का लुफ्त उठाइए। तो देखिए एक चीज, एक फिलिंग बना के इसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना कमाल की रेसिपी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल नाइफ एंड कैमरा पे। मैं आपका अपना शेफ रवि सावंत ऐसी रेसिपीज लाता रहता हूँ। अगली रेसिपी बहुत जल्दी आएगी, कॉर्न की एक और डिलाइट उसके बारे में, और मैं बहुत जल्दी एक रेसिपी लाने वाला हूँ कश्मीरी फाइल के ऊपर। कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जो हम सब ने देखी, और उसमें कश्मीरी कुजीन के बारे में बात हुई है, तो क्यों ना बनाया जाए कुछ कश्मीरी कुजीन, और उसमें नदरू यखनी बड़ी पसंद आई थी। तो अगली रेसिपी बहुत जल्दी आएगी नदरू यखनी के ऊपर नाइफ एंड कैमरा पे, बाय आपके अपने शेफ शेफ रवि सावंत। और देखिए सैंडविचेस कट के बन के तैयार हैं, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज और चेरी टमाटोज के साथ इसको सर्व कीजिए, और रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब आज करके ही जाइए।